हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। आपका स्वागत है आज के मेरे इस क्लास में। मैं आज की क्लास में आप लोग को मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बताने वाला हूं और साथ में हम ट्रिपलेट के बारे में भी जानेंगे। तो हम समझते हैं मल्टीप्लीकेशन ट्री। हम समझते हैं सबसे पहले कि दो संख्या का जो गुना होता है वो शॉर्ट में कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 24 और 36 है, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई इस हिसाब से करना है हमें कि केवल एक लाइन में ही उसका आंसर आ जाए, क्योंकि हम लोग जो गुना करते हैं वो तीन स्टेप में होता है। पहले हम 6 से गुना करते हैं, फिर 36 का यूज करके फिर 3 से गुना करते हैं, फिर थर्ड में दोनों को जोड़ते हैं। तो तीन स्टेप हो जाता है। हमें तीन स्टेप में इसका आंसर नहीं लाना है, केवल एक स्टेप में ही इसका आंसर लाना है। और कैसे इसका गुना होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इस वाले को हम गुना कर लेंगे। तो ये हो गया 624 के 4, बच गया 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर लेंगे और उसको जोड़ देंगे। कोना कोनी गुना करने के बाद याद रखना है कि दोनों को जोड़ना भी है। कोना कोनी गुना करते हैं सबसे पहले हम, तो गुना कर दिए तो ये गुना करके 6 × 12 हो गया और ये भी गुना करके 4 × 12 हो गया। तो 12 × 12 को हम जोड़ेंगे तो 12 × 24 हो गया। 24 इसमें हम हासिल को जोड़ेंगे तो 24 × 2 = 26 हुआ। तो 26 यहाँ पे लिखेंगे, हासिल 2 ही रहा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे तो 3 × 6 = 8। इसका मतलब क्या हुआ, 24 का गुना 36 से करने पे 864 आ गया। चूंकि अभी हम फर्स्ट टर्म बना रहे हैं इसीलिए आप लोगों को लग रहा होगा जैसे कि समय लग रहा है, लेकिन जब आप सीख जाइएगा इसको तो बहुत जल्द बना लीजिएगा। इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पे 74 है, 35 इसका हम गुना करते हैं, कितना फास्ट गुना कर सकते हैं वो देखिए। 4 × 5 = 20 के 0, बच गया 2। कोना कोनी गुना कर लेंगे, जब कोना कोनी गुना करेंगे तो हमको याद रखना कि दोनों को जोड़ना भी है। तो यहाँ पे हम देखे 7 × 5 = 35 हो गया, 4 × 12 हो गया। 35 में 12 को जोड़ेंगे 47 होगा, 47 में हासिल 2 जोड़ देंगे तो 47 × 2 = 49 होगा। 49 का ना हाथ में रहा 4। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे तो 7 × 21 = 4 = 25 हो जाएगा। तो 2590 हमारा आंसर हो जाएगा। 2590 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरह हम 94 का मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 6 से, कितना आएगा। तो गुना करके देखते हैं, 6 × 24 = 4 होगा, बचेगा 2। फिर यहाँ पे 9 × 6 = 54 हो गया और ये 4 × 12 हो गया। 54 में 12 को जोड़ेंगे तो 66 होगा, 66 में 2 जोड़ दिए तो 68 हो गया। 68 का 8 होगा, हासिल बचेगा 6। फिर से 9 × 27 हो जाएगा। इस दोनों को गुना करने पे 9 × 27 में हमको 6 जोड़ना है तो 33 हो गया। तो इस तरह से 94 का गुना 36 से करने पर हमारा जो आंसर होगा वो 3384 आ जाएगा। तो इसी तरह हम शॉर्ट में गुना करते हैं, इसमें टाइम ज़्यादा लगता नहीं है, बहुत जल्द इसका गुना हो जाता है। अगर हम यहाँ पे 84 ले लिए और यहाँ पे 76 ले लिए और हमें गुना करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम मेरा क्या है, तो सबसे पहला काम मेरा है कि इस दोनों को गुना करेंगे। तो इस दोनों को गुना करके हम देखते हैं कितना होगा। तो ये हो गया 6 × 24 = 4, बच गया 2। अब हम क्या करेंगे, तो कोना कोनी गुना करना, इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है, और गुना करने के बाद दोनों को जोड़ना है, ये बात हमें याद रखनी है। तो हम क्या करेंगे, 7 × 28 हो गया ये, और ये 8 × 48 हो गया। 48 में हम क्या जोड़ दें, तो 48 में पहले अगर ये 2 जोड़ दिए तो 50 हो गया। 50 × 20 = 70 = 78, 78 का 8 लिखेंगे, हासिल बचेगा 7। फिर लास्ट में क्या करेंगे, इस दोनों को भी जोड़ना है तो 8 × 7 = 56 होगा। 56 में हमें 7 जोड़ना है, 63 हो जाएगा। 56 में कितना जोड़ना है, 7 जोड़ना है तो 63 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो संख्या का गुना हम कर लेते हैं। उसी तरह अगर हम देखें यहाँ पे 84 है, इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं 45 से, तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो मल्टीप्लाई करने में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे।
पांच को चार बार पढ़े 20 आ गया, हाथ से बच गया दो। फिर से कोना कोनी गुना करना है तो 8 पंच 40 और 4 चौक 16, 40 में 16 जोड़ेंगे 56 होगा, 56 में फिर से दो जोड़ दिए 58, 8 होगा हाथ से बचेगा 5, फिर 8 चौक 32, 32 और 5 कितना होता है तो 32 5 37 होता है, ये हमारा आंसर होगा। तो कोई भी दो संख्या का गुना करना हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से करने में हमें क्या होता है बहुत जल्द इसका आंसर पता चल जाता है। यहाँ 45 है और 37 है, इसका मल्टीप्लाई अगर हम कर ले तो ये हो गया 7 पंच 35 के 5 बच गया 3। अब हम क्या करेंगे कोना कोनी गुना करके जोड़ेंगे तो 7 चौक 28 और 5 दिया 15, 28 में 15 को जोड़ना है तो 28 में अगर हम 15 को जोड़ेंगे तो 28 में पहले दो जोड़ेंगे 30 होगा, 40 तीन 43 हो जाएगा, 43 में फिर से तीन जोड़ दिए तो 46 बच गया 4, फिर 4 किया 12, 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है दो संख्या का मल्टीप्लाई हम करते हैं, ठीक है। अब हम इसी दो संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन दूसरे रूल से, वो हम देखते हैं। अभी हम सीख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ट्रिक। इसमें हम दो संख्या का मल्टीप्लाई कर रहे थे, अगर हम दे दे 23 का मल्टीप्लाई 54 से करने के लिए, इस बार क्या है ऊपर नीचे नहीं लिखा हुआ है, एक लाइन में ही लिखा हुआ है, एक पंक्ति में ही लिखा हुआ है, और हमें पता करना है कि इसको अगर हम गुना करेंगे तो गुना करने के बाद क्या आएगा, है ना। तो सबसे पहला जो मेरा काम रहेगा वो क्या है, ये जो 4 है इसका गुना कर लेंगे तो 4 किया 12 के 2 बच गया कितना 1 बच गया। अब क्या करेंगे इसको एक आगे बढ़ाएंगे और इसके जो बीच वाला है इसको बीच वाला से गुना कर लेंगे, यानी बीच वाला को बीच वाला से गुना करेंगे और ये फर्स्ट वाले को इधर आ जाएंगे लास्ट वाले से गुना कर लेंगे। तो अगर हम इसको गुना करेंगे तो 4 × 8 हुआ और इसको गुना किए तो ये 5 × 15 हुआ। जब भी गुना होगा, गुना करने के बाद दोनों को जोड़ना भी है, ये हमें याद रखना ही है ना। तो हम क्या करेंगे 4 × 8 और 5 × 15, 15 में 8 को जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, 23 में एक हासिल जोड़ दिए एक 24 होगा, हासिल बचेगा 2। अब लास्ट में क्या करना है इस 5 को और इस 2 को गुना करेंगे तो 5 × 10 होगा, 10 × 2 = 12। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। अगर हमको यहाँ पे बोला जाए 46 का गुना करना है 23 के साथ तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, इस 3 का गुना जो इस 6 से होगा, गुना कर देंगे तो 6 × 18 8 होगा, हासिल बचेगा 1। अब इसको आगे बढ़ाना है, अब बीच वाला को गुना करना है, फिर दोनों को जोड़ देना है, फिर दोनों को क्या करना है जोड़ देना है। तो ये हो गया 4 × 12 और ये हो गया 6 × 12, तो 12 × 12 हो गया 24, 24 में एक हासिल जोड़ेंगे तो 25 आएगा, हासिल बचेगा 2। अब लास्ट में क्या करना है तो ये 2 को और इस 4 को गुना कर लेना है तो 2 × 8 = 10 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा। तो दो संख्या का गुना जो हम करते हैं वो कॉलम के अनुसार भी कर लेते हैं, यानी ऊपर नीचे रख के भी कर लेते हैं और एक लाइन में लिखा रहेगा फिर भी कर लेते हैं। तो रूल वही है, केवल हमें ट्रिक पता करना है कि कैसे गुना होता है। इसके बाद अगर हमसे बोला जाए कि 73 का गुना कर लो कितना से 46 से, तो क्या करेंगे, तो पहला काम तो मेरा यही है कि 6 का गुना होगा 3 से तो 6 × 18 के 8 हुआ, हासिल बच गया 1। अब इसी हम 6 को लेंगे 7 के पास और बीच वाला को ले जाएंगे बीच वाले के पास तो 6 × 7 = 42, 4 × 12 42 में 12 को जोड़ेंगे 54 हो जाएगा, 54 हासिल 1 था, 54 = 1 55 हो गया, हासिल फिर बच गया 5। अब लास्ट में क्या करना है इसको और इसको जोड़ना है, मतलब गुना करना है, 4 × 7 = 28, 28 × 5 कितना होता है 33 होता है। तो इस तरह से हम दो संख्या का गुना कर लेते हैं। और भी संख्या का गुना होता है, सबसे पहले हम दो संख्या का गुना करना सीख चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहां पे मल्टीप्लीकेशन ट्रिक। तो हमने दो संख्या का गुना किया है दो ट्रिक से किया है, एक ऊपर नीचे रख के किया है, एक लाइन में रख के किया है। अब तीसरा स्टेप में क्या करना है वो देखते हैं। इसका जो मल्टीप्लाई होगा
एक तरफ तीन संख्या दिया हुआ है और एक तरफ दो संख्या दिया हुआ है। याद रखना है कि इधर हम दो से ज्यादा संख्या नहीं ले सकते हैं, इधर हम दो से ज्यादा संख्या नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये दो अंक का गुणा होगा, तो इधर हम अंक बढ़ा भी सकते हैं पर इधर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब इसका गुणा जो हम करते हैं कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम तीन का गुणा कर देंगे, तो तीन का गुणा किससे हुआ, चार से हुआ। तीन का गुणा किससे हुआ, चार से, तीन छक्का बारह के दो बच गया एक। अब क्या करना है, ये जाएगा आगे तो इसके बगल वाला जाएगा पीछे, हाँ। तो ये हो गया सात तिया इक्कीस और ये हो गया छह दुना बारह। इक्कीस में बारह को जोड़े तैतीस हुआ, तैतीस एक चौतीस के चार हो गया, बच गया तीन, बच गया तीन। फिर से क्या करना है, ये वाला जो है, अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, यहां पे था, इसको हम 26 से गुना कर लेते हैं। पहला काम क्या है, इस 6 का गुना 6 से होगा, तो 6 का गुना 6 से होगा तो 36 का 6 लिख दिए, बच गया 3। अब ये 1 आगे बढ़ेगा, उस समय में हमने इसको यहां पे ले आया था, यहां नहीं, ये 1 आगे बढ़ा, इससे 1 आगे बढ़ा और ये जाएगा, यानी इसके जो पीछे वाला है वो जाएगा यहां। इसका मतलब हुआ 6 चौक 24 हो गया और 6 दुना 12 हो गया। 24 में 12 को जोड़ेंगे तो 36 होगा, 36 में 3 को जोड़ दिया 39 होगा, हाँ सिर्फ फिर से बचा 3। अब फिर से ये एक आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ेगा और ये पीछे जाके लग जाएगा, तो ये हो गया 6 सत्ते 42 और ये हो गया 4 दुना 8, 42 8 50 हुआ, 50 में 3 जोड़ेंगे तो 53 का 3, बच गया कितना, बच गया 5। अब हम देखते हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम लास्ट में क्या करेंगे, इस वाले दो को इस वाले से गुना कर देंगे, तो 7 गुना 14, 14 और 5 कितना होता है, 14 5 19 होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर। करना क्या था, एक और समझते हैं, इससे गुना करके देखते हैं। पहला काम क्या है कि इस वाले का गुना इस 4 से करना है, कर लेते हैं, 4 चौक 16 के 6, बच गया 1। अब हमें 1 इससे आगे बढ़ना है, 1 आगे बढ़ना है, 1 आगे बढ़ना है और इसके पीछे वाले को पीछे से गुना कर देना है, तो ये हो गया 4 8 32 और 4 9 8, 32 8 40 हुआ, 40 और 1 41 का 1, बच गया 4, बच गया 4। फिर से ये 1 आगे बढ़ा और ये जो है इसके पीछे जाके लग जाएगा, तो ये हो गया 4 3 12 और ये हो गया 8 9 16, 16 में अगर 12 को जोड़ेंगे तो 28 होगा, 28 और 4 32, 32 का होगा 2, बच गया 3। अब लास्ट में क्या करना है, तो इस 2 को इस 3 से गुना करना है, तो 3 गुना 6 6 3 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या का गुना करना है लेकिन 2 डिजिट में तो हम किस प्रकार से गुना करते हैं। अगर यहाँ पे हम 7 3 4 5 4 डिजिट का अंक ले लिए, लेकिन इधर क्या करेंगे हम 3 और 4, यानी इधर 2 डिजिट ही रहना चाहिए, इधर जो है 2 डिजिट ही रहना चाहिए, तब जो हम गुना करेंगे, तो पहले इस 4 का गुना 5 से होगा, तो 4 5 6 20 के 0, बच गया कितना, 2 बच गया। अब ये 1 आगे बढ़ा और ये पीछे जाके लगेगा, तो ये हो गया 4 चौक 16 और ये हो गया 5 3 15, 16 15 31 होता है, 31 में 2 जोड़ने पर 33 होगा, 33 का 3, बचेगा 3। फिर से ये जाएगा आगे और ये जाएगा यहाँ, तो ये हो गया 4 3 12, ये भी हो गया 4 3 12, 12 12 क्या होगा, 24 24 3 27 के 7, बचेगा कितना, 2। फिर से ये एक आगे बढ़ा, ये आया 7 के पास और ये जाएगा 3 के पास, तो ये हो गया 7 चौक 28 और ये हो गया 3 3 9, 28 में 9 जोड़ेंगे तो 37 होगा, 37 में हम 2 जोड़े तो 39 होगा, 39 का 9, बच गया 3। अब नहीं बचा है तो लास्ट में इस वाले को इस वाले से गुना करना है, तो 7 3 21, 21 और 3 कितना होता है, 24 होता है, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो या 4 डिजिट हो या 5 हो या 6 हो, इस तरह से हम इसको गुना करते हैं। हमें 1 आगे बढ़ाना है, उसके पीछे वाले को 3 के पास लेके जाना है, इधर 1 आगे बढ़ेगा, इसको हमें किसके पास ले जाना है, 2 के पास ले जाना है, मतलब फर्स्ट डिजिट जो रहेगा वहां पे हमें
पीछे वाले को ले जाना है, लेकिन आगे जब गुना करते हैं तो वो आगे बढ़ते जाएगा और इसको केवल पीछे लेके जाना है ना। फिर दोनों को गुना करके क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जो आता है वो हमारा आंसर होता है। तो इधर जो है तीन अंक का भी डिजिट हो सकता है, चार का भी हो सकता है, पांच का भी हो सकता है, छह का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दो डिजिट ही होना चाहिए तब हम इस तरह से गुना करते हैं। बढ़ते हैं आगे, अब हम समझते हैं मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ट्रिक, मल्टीप्लीकेशन ट्रिक। इसमें हम समझते हैं कोई भी डिजिट हो, जो अगर हमें बोला जाए 65 का गुना करना है 65 से, हमें बोला गया 65 का गुना करना है 65 से, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये स्क्वायर हो गया। 65 का स्क्वायर होता है 65 गुने 65, मतलब दोनों डिजिट समान होना चाहिए, है ना। अगर हम यहाँ पे 25 का गुना 25 से कर लें, अगर यहाँ पे 15 का गुना 15 से कर लें, अगर यहाँ पे हम 35 का गुना 35 से कर लें, अगर यहाँ पे हम 45 का गुना 45 से कर लें, या यहाँ पे अगर हम 55 का गुना 55 से कर लें, 55 के बाद 65 हो गया, 65 के बाद 75 का गुना 75 से कर लें, 75 के बाद 85 का गुना 85 से कर लें, 85 के बाद 95 का गुना 95 से कर लें। तो इस प्रकार का अगर गुना होगा तो हमें तो इसका पता है कि 15 को 15 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 15 को 15 से गुना करने पे 225 आता है। उसी तरह 25 को 25 से गुना करते कितना आता है ये भी पता है, 625 आता है, 625 आता है। तो उसी तरह हम जानना चाहते हैं कि इस सब को भी गुना करेंगे तो कैसे गुना करेंगे। तो हम यहाँ पे समझते हैं अगर 75 का गुना 75 से करना है, 75 का गुना किससे करना है, 75 से करना है, तो सबसे पहला नंबर में है 5, यह भी 5 है, गुना करके लिख देना है 25, इसमें हासिल बचाने की जरूरत नहीं है। 5 को 5 से गुना करके लिख दिए 25 हो गया, लेकिन यहाँ पे जो दो डिजिट का अंक आएगा वो क्या आएगा, तो आप याद रखेंगे ये जो 7 है इसमें एक बढ़ाना है, तो 7 में एक बढ़ाना है और बढ़ाने के बाद इसको गुना कर देना है, तो 8 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यानी 75 का गुना 75 से करने पे मेरा जो आंसर आएगा 5625 होगा। हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, ये 5 है और ये भी 5 है, इस दोनों को गुना करके 25 लिख दिए, लेकिन ये 6 का गुना नहीं करना है, 6 में हम ना एक बढ़ा लेंगे, तो जब 6 में एक बढ़ाएंगे तो 7 हो गया, उस 7 का गुना करना है 6 से, तो 7 को 6 बार पढ़ लेंगे, 7 6 42 होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया, 7 6 42 होता है। हमने क्या किया, तो ये जो 6 था इसमें एक प्लस कर दिया तो कितना हो गया, 7 हो गया। अब इसी 7 को इस 6 से गुना करके लिख दिया। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये 5 है और ये भी 5 है, 5 5 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 5 का गुना करने पे क्या हो गया, 25 हो गया। लेकिन यहाँ पे 3 का गुना 3 से नहीं करना है, 3 में एक बढ़ा लेना है, 3 में एक बढ़ाना है तब गुना करना है, तो ये 4 3 12 होगा, तो यहाँ पे हम 12 लिख रहे हैं। अब हम देखते हैं कितना फास्ट इसका आंसर निकल सकता है। सबसे पहले 4 है तो 4 है तो एक बढ़ा तो 5 हो गया, 5 का गुना हुआ तो ये 20 हो गया, लास्ट में 25 रहता ही है। फिर से हम क्या करते हैं, ये 5 है एक बढ़ा दिए, 6 हुआ, 6 का गुना 6 5 6 30, लास्ट में क्या रहता है, 25 रहता ही है। फिर क्या करेंगे हम, ये 7 है एक बढ़ा दिए तो 8 हुआ, अब 8 का गुना 7 से तो 8 7 56, लास्ट में 25 रहेगा, 8 है तो 8 में एक बढ़ा दिए, 9 हो गया, अब इस 9 का गुना कितना से होगा, 8 से होगा, तो 9 8 72 होगा, लेकिन लास्ट में 25 रहेगा। उसी तरह 95 का गुना 95 क्या होगा, तो 95 यानी 9 है, 9 में एक बढ़ेंगे 10 10 के 90 10 10 के 90, लास्ट में 25 रहेगा। तो अगर हमें इस टाइप का गुना मिल जाए तो हम डायरेक्टली इस टाइप की संख्या को गुना कर सकते हैं, कैसे गुना होता है वो हम समझ चुके हैं। बढ़ते हैं आगे, पर इसका जो गुना होगा वो सेम डिजिट होगा तभी गुना हो सकता है। अब हम समझते हैं न का गुना न से करने पर क्या आता है, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, न का गुना जो है न का गुना न से करते हैं तो हमें पता है 9 9 81 होता है। अगर यही हम 99 का गुना 99 से करें तब क्या आएगा, अगर हम 999 का गुना 9 से 99 से करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम 4 9 का गुना 4 9 से कर ले तो क्या आएगा। तो इस तरह का गुना जो होगा वो करने का ट्रिक हम सीखने वाले हैं। 5 को 9 का गुना
पांच गुना से करेंगे, फिर से छह गुना का गुना छह गुना से करेंगे। तो इसका ट्रिक हम जानेंगे कि इसका गुना कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमें गुना करना है नौ वाले संख्या का, यानी सबसे बड़ा संख्या का। तो जब हम सबसे बड़ा संख्या का गुना करते हैं तो इसमें हम नौ को काउंट करते हैं कि नौ क्या को दिया हुआ है। तो गिनने पे पता चला छह गुना है, तो छह गो में से एक कम कर देना है, पांच गुना लिखना है। तो यहाँ पे हम पांच गुना लिख लिए। पांच गुना लिखने के जस्ट बाद हमें आठ ही लिखना है, आठ लिख दिए। उसके बाद ये नौ जितना लिखे हुए हैं हम उतना जीरो देना है आठ के बाद। तो पांच गुना है तो पांच गो जीरो होगा और उसके बाद लास्ट में हो जाएगा एक। तो इस तरह से हम नौ गो छह गो नौ का गुना छह गुना से करने पर आंसर हमारा ये आने वाला है। अब हम पांच गो नौ का गुना पांच गो नौ से करेंगे तो पांच गुना है तो एक नौ कम कर देंगे, तो चार गुना लिखना पड़ेगा हमें। चार गुना लिखने के बाद जस्ट बाद हम आठ का यूज करेंगे। फिर से हम देखेंगे यहाँ पर नौ जितना है उतना ही जीरो लिखना है, तो जीरो हम चार गो लिख दिया, लास्ट में क्या दे देना है एक दे देना है। तो इस प्रकार से नौ का गुना होता है। अगर यहाँ पे चार गुना है तो हम क्या करेंगे, तीन गो नौ लिखेंगे, एक गो आठ लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नौ तीन गो है तो जीरो भी तीन गो होगा, लास्ट में क्या आएगा एक आ जाएगा। अब हम निन्यानवे का गुना नौ सौ निन्यानवे का गुना नौ सौ निन्यानवे से करेंगे तो दो गो नौ होगा, क्योंकि तीन गो नौ है एक कम करना है तो दो गो नौ हुआ। इसके जस्ट बाद आठ देना है, फिर हमें जीरो क्या गो देना है तो दो गो जीरो देना है, लास्ट में एक देना है। निन्यानवे का गुना करना है तो दो गो नौ है तो हम एक गो नौ लिखें, फिर इसके जस्ट बाद क्या होगा आठ होगा, और एक छो नौ है तो एक जीरो होगा और एक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम नौ का गुना करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ट्रिक वाला गुना था जो ने हम बता दिया आपको। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, धन्यवाद।